लेसन नंबर टू हेल्थ एंड डिजीजेस. ओके, व्हाट इज डिजीजेस? कभी तुम लोग देखा रहेगा कोई बच्चा अनकंफर्ट फील करता है, अनइजी फील करता है. ठीक है, कभी तुम लोग भी स्कूल से आधी छुट्टी लेके घर पे आए होगे. ठीक है, बुखार आ जाता है, बोलते हैं ना बुखार था, तबियत ठीक नहीं था, ये सब होता है. ओके, फिर ठीक लगा तो आराम किया, थोड़ा ठीक लगेगा. अगर नहीं ठीक लगा तो फिर डॉक्टर के पास जाते. ठीक है, डॉक्टर बता देता है कि तुम्हें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, उस हिसाब से मेडिसिन देता है. मेडिसिन तुम टाइम टू टाइम लेते हो. ठीक है, और फिर तुम ठीक हो जाते हो. ठीक है, तो वो एक छोटा नॉर्मल एक बोल सकते हैं कि तुम्हारा हेल्थ पे इफेक्ट करता है. ओके, तो व्हाट इज माय हेल्थ, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीजेस. हेल्थ मतलब क्या है कि हमें हमारा एक पर्टिकुलर बॉडी का स्टेट कंप्लीट फिजिकल, ठीक है ना, फिजिक कंप्लीट फिजिकल, फिजिकली हम लोग फिट होने चाहिए. ठीक है ना, मेंटली हम लोग फिट होने चाहिए, दिमाग से भी ठीक ठाक होने चाहिए, स्टेबल. और सोशल वेलबींगनेस, सोशल वेलबींगनेस मतलब लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार होना चाहिए, हम लोग को अच्छे से बात करना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि हम लोग सिर्फ अकेले बैठे रहे, ठीक है, गुमसुम बैठे रहे, लोगों से अच्छे से बात करो. ठीक है ना, खुश रहो. ओके ना, तो सोशली लोगों के साथ रहना, उनका साथ बोलना, ये सब भी हमारा अच्छा होना चाहिए. ठीक है, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीजेस. ठीक है, कोई हमें डिजीज नहीं होना चाहिए. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि हम क्या है, हेल्दी है. ओके, समझ में, हेल्थ मतलब समझ में आया ना क्या होता है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीजेस इज सेड टू बी हेल्थ. ओके, अब डिजीज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिजीजेस? डिजीजेस मीन्स व्हाट? कंडीशन और डिस्टर्बेंस इन साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी. कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीज. हमारे बॉडी में फिजिकली, बॉडी का पार्ट्स में फिजिकली एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मेंटली, ठीक है ना, कोई अगर डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, किसी भी एक प्रोसेस से डिस्टर्बेंस होता है हमारे बॉडी प्रोसेस को, फिजिकल को और मेंटली, तो हम कह सकते कि हमें क्या हुआ है, डिजीज हुआ है. ओके, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस. नॉर्मली हमारा बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से रहता है, हम लोग अच्छे से चल पाते हैं, हम लोग अच्छे से बोल पाते हैं, ठीक है ना, हम अच्छे से रह सकते हैं. ठीक है, हमारा बोलचाल अच्छा रहता है, बॉडी में कोई पेन नहीं, कुछ नहीं. ओके, और हमारा मेंटल साइकोलॉजिकली भी हम लोग ठीक ठाक रहते हैं. ठीक है ना, हम लोग का दिमाग अच्छे से चलता है. लेकिन कुछ ऐसे वजह से हमारे फिजिकल पे इफेक्ट करता है, डिस्टरबेंस होता है, या मेंटली पे डिस्टरबेंस होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, कुछ बॉडी का कोई पार्ट पेन करने लगता है, या मेंटल सर दुखने लगता है बोल सकते हैं, या कुछ मेंटल इश्यू हो जाता है, ठीक है ना, कहीं पे ध्यान नहीं लगता है, तो ये सब चीजें अगर हमारे बॉडी पे और हमारे दिमाग पे अगर किसी चीज का डिस्टरबेंस आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर कोई डिजीज हुआ है. ठीक है, उस कंडीशन को बोल सकते हैं कि वो डिजीज है. ओके, तो डिजीज हैज इवन ओन सिम्टम्स. हर एक डिजीज का अलग अलग सिम्टम्स होता है. सिम्टम्स मतलब कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, क्या निशानी है, कैसे पता चलेगा कि आपको ये डिजीज हुआ है, आपको वो डिजीज हुआ है. हर एक का अलग अलग रीजन है, अलग अलग का एक जरिया है. ठीक है, सिम्टम्स है. ठीक है, दोनों समझ में, डिजीज और हेल्थ. आगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस यू हैव लर्न अबाउट दी names of various is like diabetes, common cold, asthma, down syndrome, heart diseases, etc. reasons and symptoms of all these diseases are different.
टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। डिजीज जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया, डिजीज बहुत सारे तरीके के होते हैं, उसमें से कोई डिजीज तुम लोगों ने सुना रहेगा, डायबिटीज सुना है, कॉमन कोल्ड जो बोल सर्दी बुखार हो जाता है, ठीक है ना, अस्थमा हो सुना है, डाउन सिंड्रोम कमजोरी आ जाती है, देखा रहेगा डाउन सिंड्रोम के मोस्टली बच्चों में होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना, हार्ट डिजीजेस होता है, ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत सारी बीमारी एक्सेट्रा, बहुत सारी बीमारी एक्सेट्रा मतलब और बहुत सारे, हर एक बीमारी का रीजन अलग है, उनका सिम्टम्स अलग है कि वो बीमारी क्यों हुई होगी, ठीक है ना, या उनका कैसे पता चलेगा कि वो बीमारी हुई है, सिम्टम्स सबके अलग अलग होते हैं। और इतने सारे डिजीजेस के बारे में स्टडी करके, ठीक है ना, ये अपने हमें पता चलने के लिए इसे क्या किया है, अलग से क्लासिफाई किया है, हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई किया है, ग्रुपिंग करेंगे तो थोड़ा स्टडी करने के लिए इजी हो जाता है। तो एक टेबल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ डिजीजेस, दो टाइप के डिजीजेस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू द रीजन। ड्यूरेशन मतलब क्या, टाइम, कौन सी बीमारी कितने टाइम तक रहती है, ठीक है ना, टाइम के हिसाब से। उसमें दो टाइप है क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीज मतलब क्या, जो डिजीजेस बहुत टाइम से आ रही है, ऐसा ऐसा नहीं कि तुरंत आ गई, ठीक है ना, टाइम से आ रही है, स्टार्ट बहुत टाइम लगता है, जैसे कि किसी को कुछ बोल सकते हैं, तुम लोगों ने सुना रहा है कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सब चीजें बीमारी कैसी है, लॉन्ग टर्म बीमारी है, ठीक है ना, तुरंत नहीं आती है, पहले से अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है, शुरुआत में आती है, ऑफ योर क्योर नहीं करोगे तो धीरे 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 वो बढ़ेगा, ओके, तो उस बीमारी को बोलेंगे क्रॉनिक डिजीजेस। और एक्यूट डिजीज मतलब क्या है, वो तुरंत आ जाती है, ठीक है ना, तुरंत से वो बीमारी हो जाती है आपको, ठीक है, उसके लिए टाइम नहीं लगता है, जैसे बुखार आ गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब चीजें क्या तुरंत आती है, उसके लिए टाइम नहीं लगता है, ओके, ये सब बीमारी एक्यूट बीमारी, एक्यूट डिजीजेस है, ये हो गया ड्यूरेशन के हेल्प से। आता किसी को डाउट? ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रीजंस, रीजंस क्या क्या है उनके, एक रीजन है हेरिडिटी रीजन, हेरिडिटी रीजन मतलब क्या, ऐसे डिजीजेस जो तुम्हारे जेनरेशन से तुम्हें मिलते जा रही है, जनरेशन हेरिडिटी मतलब क्या, तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें मिली है, ठीक है ना, किसी के ग्रैंडफादर को रहेगा, उनसे उसके फादर को मिलेगा, उस फादर से वो सन में आएगा, ठीक है ना, तो ऐसा वो जनरेशन टू जनरेशन चलते जाता है, ठीक है ना, हेरिडिटी। कुछ ऐसी बीमारी होती है, कुछ ऐसी बीमारी होती है कि जो उस पर्सन के दादाजी को भी था, ठीक है, ग्रैंडफादर को भी था, उसके बाद उनके फादर को भी हुआ, और उनकी वजह से उनके सन को भी हुआ, ठीक है, तो ऐसे जो बीमारी होती है, जो हेरिडिटी होती है, ठीक है ना, एग्जांपल क्या है, डाउन सिंड्रोम, ओके, ये हुआ। दूसरा क्या है, एक्वायर्ड डिजीजेस, एक्वायर्ड डिजीजेस मतलब, एक्वायर्ड डिजीज मतलब वो हेरिडिटी नहीं होता है, वो किसी से मिलता नहीं, वो हमें अचानक से हो जाती है, ठीक है ना, वो कैसे होती, बाद में आती है, स्टार्टिंग में नहीं होती है, ठीक है ना, वो हमें बाद में लगती है, तो उसमें भी दो टाइप आते हैं, ठीक है ना, बाद एक्वायर्ड डिजीज बाद में मिलती है, ठीक है ना, तो उसमें से भी दो टाइप आता है, इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। अब इन्फेक्शियस डिजीज मतलब क्या, किसी भी चीज, नाम से पता चल रहा है, इन्फेक्शियस मतलब किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, इन्फेक्शन बोल सकते हैं, या बोल सक, तो क्या क्या इन्फेक्शन सीरीज कौन से है, कॉमन कोल्ड, ठीक है ना, किसी चीज का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, पानी पी हो गया, पानी की वजह से हवा चला जाती है, दूषित हवा, दूषित पानी, ये सब हमारे बॉडी में चला जाएगा तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा और उस वजह से हमें बीमारी होगी, कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, ये सब चीजें। और दूसरा वाला क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जो किसी इन्फेक्शन से नहीं होती है, जैसे कि डायबिटीज, डायबिटीज किसी इन्फेक्शन से नहीं होता है, ओके, तुम्हें पता है हाई लेवल ऑफ शुगर से होता है, ब्लड में अगर शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो डायबिटीज हो जाता है। और हार्ट डिजीजेस, दिल की बीमारी होती है, वो भी किसी का इन्फेक्शन वगैरह से नहीं होता है,
तो समझ में आया। टाइप्स ऑफ डिजीज में दो टाइप होता है, अकॉर्डिंग ड्यूरेशन में दो टाइप आएगा, क्रॉनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज। क्रॉनिक डिजीज जो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है ना, बहुत टाइम से आती है, तुरंत नहीं आता होता है, ठीक है, सो क्योर करने के लिए भी वक्त लगता है, ठीक है। और एक्वायर्ड एक्यूट डिजीज मतलब जो तुरंत हो जाती है, ठीक है ना, उसको टाइम नहीं लगता है फैलने के लिए या बढ़ने के लिए। और दूसरे टाइप में अगर हम लोग रीजन के हेल्प से देखेंगे तो रीजन में क्या आता है, हेरिडेटरी डिजीजेस, दैट इज फ्रॉम दी जनरेशन, हेरिडेटरी है, किसी ना किसी तुम्हारे फैमिली मेंबर को हुआ रहेगा तो उस अकॉर्डिंगली तुम्हें हुआ रहेगा, ठीक है ना, ओके। और तुम अगर किसी को हुआ है तो उसके आगे के जनरेशन को भी हो सकता है, तो वो किसी फैमिली मेंबर्स का हुआ रहेगा तो उससे हेरिडिटी तुम्हें होता है। और दूसरा क्या है, एक्वायर्ड डिजीजेस जो बाद में होता है, बाय इनबॉर्न नहीं होता है, ठीक है ना, ये जन्म से मिलता है, ठीक है ना, ये जन्म से नहीं मिलता है, बाद में आता है। बाद में इसमें कौन सा आता है, इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस। इन्फेक्शस में इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारी, दैट इज कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड डेंगू। एंड नॉन इन्फेक्शस में डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस। समझ में आया, ओके। तो अभी इन्फेक्शस डिजीज को ज्यादा हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये टेबल हम लोग पढ़ेंगे, इस टेबल में देखो, इन्फेक्शियस डिजीजेस, डिजीजेस कॉज थ्रू द कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो इन्फेक्शन होता है वो किस वजह से होता है, इम्प्रॉपर एयर से, कंटामिनेटेड हवा, कंटामिनेटेड पानी, फूड और वेक्टर्स, जो कीड़े हो गया, कोई छोटा मोटा इंसेक्ट्स हो गया, कोई एनिमल हो गया, उनके वजह से हमें बीमारी होती है, उनके अंदर के कोई जर्म्स हमारे बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है ना, तो वो सब चीजों से होने वाली बीमारी को क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। तो अब इसमें से पांच कुछ डिजीज के मेन जो भी है उनके दिया है, एक डिजीज दिया है ट्यूबोक्लोसिस, ओके, सुना रहेगा तुम लोगों ने ट्यूबोक्लोसिस, क्या होता है ट्यूबोक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबोक्लोसिस बीमारी है जिसमें पैथोजेंस, पैथोजेंस मतलब कौन से क्यों होता है, कौन से वायरस या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। पैथोजेंस ये वर्ड सुना है, पैथोजेंस मतलब क्या, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, तो जितने भी डिजीज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे बॉडी में जाने की वजह से होता है। तो ये ट्यूबोक्लोसिस कौन से होता है, कौन से पैथोजन से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, ठीक है ना, ये उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, पैथोजन का नाम है, ये अगर बॉडी में चला जाएगा तो तुम्हें क्या हो सकता है, ट्यूबोक्लोसिस हो सकता है, ओके, उस पैथोजन का नाम है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हुआ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, क्या हो गया, समझ में। मोड ऑफ इन्फेक्शन आर स्पिटिंग ऑफ द बाय द पेशेंट, कोई पेशेंट अगर कहीं पे वो स्पिट करता है रास्ते पे तो वो बॉडी उसके जर्म्स निकल जाएंगे, उस स्पिट में रहेंगे और वो एयर में जाके मिक्स हो जाएंगे, और उसी तरह के बाजू से कोई दूसरा आदमी गुजरता रहेगा तो वो एयर से थ्रू वो जर्म्स उसके बॉडी में जा सकते हैं और उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है। और प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट विद एंड शेयरिंग विद द मटेरियल विद द पेशेंट, कोई ऑलरेडी कोई पेशेंट है और तुम उसके साथ रहोगे ज्यादा देर तक, उसकी चीजें यूज करोगे, उसके साथ बैठोगे, बातें करोगे, तो बातें करने से क्या होता है, उसके बॉडी से जो जर्म्स निकलेगा वो तुम्हारे बॉडी में जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें उसके मोड ऑफ इन्फेक्शन है। सिम्टम्स मतलब कैसे पता चलेगा, कैसे कुछ निशानी क्या होता है स्टार्टिंग में कि हमें पता चलना चाहिए कि भाई पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो सकता है, कैसे आइडिया मिलेगा। क्रॉनिक कॉफ, कंटिन्यूसली कॉफ होता है, खांसी आने लगती है कंटिन्यूसली, खांसते खांसते हो तो मुझे स्पिट होता है तो ब्लडी स्मिट, ठीक है ना, ब्लड स्पिटिंग, जब उसमें थूक निकलती तो थूक जो होती है उसमें ब्लड होता है, ठीक है ना। इमेसिएशन में थोड़ा कमजोर हो जाता है, बॉडी पूरा लूज हो जाता है, बॉडी के अंदर का पानी कमजोर हो जाता है, हमें एकदम बॉडी हमारी पूरी सी थिन हो जाती है, ठीक है ना, कमजोर पड़ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो ये सब सिम्टम्स है। अगर इसमें से कोई किसी सामने वाले पेशेंट को इसमें से कुछ होता होगा
तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं, एक डाउट आ सकता है मन में कि हाँ हो सकता है कि इसे ट्यूबोक्लोसिस है। ओके, तो ये हो गया उसका सिम्टम्स। नेक्स्ट, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या या प्रिवेंशन करना चाहिए। ठीक है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्रिवेंशन मतलब वो बीमारी होने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है, क्या ट्रीट करना चाहिए, तो वो हमारा प्रिवेंशन हो गया। और ट्रीटमेंट कब होता है, वो बीमारी होने के बाद। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में फर्क समझ में आया। प्रिवेंशन हम लोग पहले से करते कि हमें ना होना चाहिए, जैसे फिलहाल अभी हमारे तो क्या चल रहा है, जिस बीमारी चल रही है, ठीक है, तो हम उसको प्रिवेंट होने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग मास्क पहन रहे हैं, हम लोग हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, हमारे हैंड वॉश यूज कर रहे हैं मच कंटिन्यूसली, ठीक है ना, तो वो सब हमारा प्रिवेंशन है। तो वैसा ही यहाँ पे प्रिवेंशन हो रहा है। फिर क्या प्रिवेंशन है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसीलिए आवाज ब्रेक हो रही होगी। किसी किसी जगह पे नेटवर्क का इश्यू है, ठीक है ना, तुम अपना नेटवर्क देख सकते हो, प्रॉब्लम होगा। तो प्रिवेंशन क्या है, बीसीजी वैक्सीन बचपन में दिया जाता है, ठीक है ना, छोटे बच्चों को दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन, ठीक है ना, वैक्सीनेशन जो देता है ना, टीका लगाते हैं ना छोटे बच्चों को, बोल सुना रहेगा तुम लोग ने भी लिया रहेगा बचपन में, ठीक है, वो हो गया बीसीजी वैक्सीन जो बचपन में दिया जाता है, वो प्रिवेंशन हो गया कि इन फ्यूचर उनको ना हो सके, इसीलिए बच्चों में ज्यादा होता है प्रॉब्लम। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट जो भी रहता है, जो पेशेंट है उससे क्या होता है, आइसोलेशन, उसको अलग से रूम में बिठाया जाता है, ठीक है ना, ज्यादा दूसरे पेशेंट से कांटेक्ट में नहीं रखा जाता है उसको। ओके, फिर रेगुलर मेडिकेशंस ऑफ दी लाइक डॉट, ठीक है ना, वो दवाइयाँ होती है उसको दिया जाता है डॉट्स की, ठीक है ना, रेगुलरली दिया जाता है, 3-4 महीना कंटिन्यूसली देंगे तो उसका ट्यूबरकुलोसिस पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। ओके, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। सेकंड वन इज द हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉन्डिस। ओके, तो जॉन्डिस के पैथोजेंस कौन से हैं, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसकी वजह से होता है हेपेटाइटिस वायरस, ए बी सी डी ई, ये हेपेटाइटिस के वायरस है, सब 5 टाइप के वायरस है, उनको नाम दिया गया है, ठीक है ना, अल्फाबेटिकली उनको नाम दिया गया है ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे टाइप के वायरस है एक ही जैसे, तो इनको अलग से नाम दिया है, ठीक है ना। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या है उनके, किस वजह से होता है, कैसे पास होता है वो, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, शेयरिंग ऑफ द नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कंटेमिनेटेड वाटर मतलब गंदा पानी अगर हम लोग पीते हैं, ठीक है ना, कंटेमिनेटेड पानी अगर पियेंगे तो होगा। शेयरिंग ऑफ द नीडल्स, कभी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कभी इंजेक्शन देता है, सीरिंज देता है, तो हमेशा वो सीरिंज चेक का जो नीडल होता है वो हर बार चेंज करता है, ऐसा नहीं कि तो एक पेशेंट को दिया तो वही दूसरे को यूज किया, ठीक है ना, एवरी टाइम वो नीडल्स क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं, ठीक है ना। पैथोजेंस मतलब डिजीजेस होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रोम दो टाइप के होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो जो बुरे होते हैं जिनसे हम लोग को डिजीजेस होता है उसे पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को अगर ब्लड ट्रांसफर किया तो ब्लड ट्रांसफर भी क्या होता है, नीडल वगैरह होता है, या किसी पेशेंट है, किसी को जॉन्डिस हुआ रहेगा और उसने जाके किसी को ब्लड डोनेशन किया, ठीक है ना, तो ब्लड डोनेशन किया तो उसको भी वो जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है उसके, कैसे पता चलता है, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब एनोरेक्सिया में क्या होता है कि उसे भूख क्या होता है, जो खाना खाता है वो, ठीक है ना, उसे चिंता होती है कि उसका वजन बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसके डाइट के ऊपर ध्यान देने का उसको डर लगता है कि मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं खाना चाहिए, वो अपने डाइट से रिलेटेड बहुत कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया येलो यूरिन, पता है तुमने, नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना, जनरल वीकनेस, बॉडी में वीकनेस आने लगती है, ठीक है ना, नौसिया, कमजोरी आने लगती है, ठीक है ना, वॉमिटिंग जैसा होता है, ठीक
ठीक है, ग्रेस टूल्स, ओके। तो ये सब चीजें सिम्टम्स है। प्रिवेंशन क्या है उसका, क्या करना चाहिए? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड क्लीनिंग ऑफ द हैंड्स, ओके। पानी हमेशा बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। ग्रेस टूल्स मतलब अगर जो नॉर्मली क्या बोल सकते हैं कि तुम वॉशरूम वगैरह के लिए जाओगे, यूरिन तुम्हारा हो गया, ठीक है ना, तो सब तुम्हारा क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है। और किसी को डाउट? ट्यूबरकुलोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, ये उसका नाम है, उस पैथोजन का नाम है जिसके वजह से ट्यूबरकुलोसिस होती है, ठीक है ना। होमवर्क कुछ नहीं, इसको एक बार सिर्फ रीड करो, यहाँ तक जितना पढ़ा मैंने लाइन ड्रॉ किया उतना तक तुम लोग को रीड करना है, ठीक है। दो टॉपिक पढ़ा है, दो टॉपिक तो हम लोग उतना पोर्शन रीड करो अच्छे से दो बार, ठीक है। कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है उसको, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, एनी मोर डाउट्स? थैंक यू।